तो दिल्ली भ्रष्टाचार की लिस्ट में सबसे आगे निकल रही है। लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार दिल्ली को करप्ट सिटी के ताज के करीब ले जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार मिटाने और इसे निजात दिलाने के नाम पर आंदोलन हुए। चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार सबसे ऊपर था, इसी को लेकर अब सरकार सत्ता में आई, लेकिन अब भी दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली भ्रष्ट हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 9 राज्यों में किए सर्वे में दिल्ली के 33% लोगों को लगता है कि घूसखोरी बढ़ गई है, वहीं 38% को हालात पहले जैसे लगते हैं। दिल्ली से सटे यूपी में भी 28% लोगों ने भ्रष्टाचार के कम होने की बात कबूली है। सर्वे में ये भी सामने आया कि ज्यादातर भ्रष्टाचार छोटे स्तर पर हो रहा है, जिसमें बिजली दफ्तर, नगर निगम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम और उनसे संबंधित दफ्तर शामिल हैं। सर्वे में कुल 9% लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने किसी केंद्रीय कर्मचारी को रिश्वत देने की बात कबूली हो। लोगों ने प्राइवेट सेक्टर, स्कूल प्रशासन, एनजीओ, कोर्ट जैसी जगहों में पैसा दिया। 51% लोगों को लगता है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। ये सर्वे यूएन के एंटी करप्शन डे पर किया गया था। जिन 9 राज्यों में ये सर्वे हुआ वहाँ लोकायुक्त नहीं है। दिल्ली के लिए इस लिस्ट में नाम आना शर्म की बात कही जा सकती है। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलनों को चलाया गया, लोग सड़कों पर निकलकर ईमानदारी की कस्में खाते दिखे, वहीं ये हाल है कि सरकारी दफ्तरों से लेकर कोर्ट तक में रिश्वतखोरी आम है। यही नहीं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अब रिश्वत का रेट तक बढ़ गया है। जहाँ हजारों में काम हो जाता था, वहीं भ्रष्ट अधिकारी लाखों करोड़ों डकार रहे हैं। सरकार और कानून दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लेकिन लगता नहीं कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए गंभीर है, नहीं तो दिल्ली इतनी भ्रष्ट नहीं होती। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो कोशिश कुछ भी हो, रिपोर्ट ये कहती है, सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली भ्रष्ट होने की जो कतार है उसमें सबसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुलदीप शर्मा न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। कुलदीप, दिल्ली तो वो जगह है जहां भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किया गया, निजाम बदल गया दिल्ली का, मिजाज बदल गया सरकार के काम करने का, आंदोलन से निकलकर एक पार्टी आई, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार बनी, तो वहां भी यही कहा गया कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की स्थिति पर है। नतीजा तो यही निकल कर नहीं आया, नतीजा तो ये है जो रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली भ्रष्टाचार में लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रही है। बिल्कुल अनूप, देखिए जो रिपोर्ट आई है संस्था की, उस रिपोर्ट में वाकई में सरकार के जो लक्ष्य है, जो सरकार के दावे हैं, उन पर सवाल खड़े होते हैं, खासकर ऐसे राज्य सरकार पर जिसका जन्म खुद एक भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन से हुआ। पहले पार्टी बनी, उसके बाद सरकार, वो पार्टी जो है सत्ता तक पहुंची और उस सत्ता के काल को भी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। और ऐसे में बिल्कुल कुलदीप, लौटेंगे आपके पास, तो आपको बता दें देश के 11 राज्यों में ये सर्वे हुए हैं और इन 11 राज्यों में के जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें दिल्ली बहुत तेजी से भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, जबकि ये वही दिल्ली है जहां पर बीते एक दशकों में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े आंदोलन किए गए। आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उपजे एक आंदोलन से निकलकर बनी है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार भी कमोबेश इसी मुद्दे पर बन के आई, क्योंकि यूपीए 2 में जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए थे उससे कहीं ना कहीं एक आगे की लकीर, एक नई लकीर खींचने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार ने की। और एक भी बड़ा आरोप भले ही केंद्र की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के न लगे हो, लेकिन दिल्ली में जो अफसरों के कामकाज का तरीका है, जो आम लोगों को जिनसे दो चार होना पड़ता, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कि जो गंध है उसे बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। और इसी का नतीजा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें दिल्ली भ्रष्टाचार के मामले में काफी तेजी से प्रगति करती हुई नजर आ रही है। देश के 11 राज्यों में ये सर्वे हुआ है और इसमें दिल्ली जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही अगर सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सबसे भ्रष्ट सिटी का जो राजधानी का जो तमगा है वो दिल्ली के सिर लग सकता है।
तो सीधा रुक करेंगे, कुलदीप शर्मा लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, एक सवाल तो ये भी है इन तमाम सवालों के बीच में कि आखिर कमजोर कड़ी कौन है, कहां पर दिक्कत आ रही है कि लोग आज भी चाहे वो अफसर हो, बाबू हो, वहां पर भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ा, लोगों का काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। 30,000 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया है, उनमें से 85% लोगों का यह मानना है कि जो रिश्वत का पैसा उन्होंने पिछले एक साल में अपना काम करवाने के लिए दिया है। लोगों से सीधा संपर्क होता है, लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए इन दफ्तरों में जाना पड़ता है। तो यानी साफ तौर से आदमी आज 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 भी लोगों को अपने छोटे मोटे कामों के लिए अफसरों को रिश्वत खिलानी पड़ती है, ना सिर्फ छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर। लेकिन जो छोटे स्तर का करप्शन है उससे ज्यादा परेशान लोग हैं, और इसकी वजह यही है कि जो सिस्टम है, जो सरकारी काम करने का सिस्टम है, वो बेहद पेचीदा है। बड़ी कई सारी दिक्कतें उसमें आती है। अगर आपको एक छोटा सा भी कोई सरकारी सर्टिफिकेट बनवाना हो तो आपको कई महीने सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से उन चक्करों से बचने के लिए लोग मजबूरी में रिश्वत का सहारा लेते हैं, रिश्वत देते हैं, और अफसर उसी चीज का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप, जिस तरीके से बीते अगर हम 4-5 वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से हर काम अब डिजिटल हुआ है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा भी केंद्र की सरकार की तरफ से भी दिया गया और राज्यों में भी उस तरीके से डिजिटलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है, बावजूद इसके जबकि कहा यही गया था कि भ्रष्टाचार पर इससे अंकुश लगेगा, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जब डिजिटलाइजेशन भी अगर करप्शन को नहीं रोक सकता तो अब नया क्या? देखिए अनुप, सरकार ने जरूर कोशिश की है कि जो सरकार है वो सीधे जनता के द्वार पहुंचे, लोगों को सरकारी कामों के लिए सरकारी दफ्तर ना जाना पड़े, उनके जो सरकारी काम है घर बैठे ही तकनीक की मदद से हो जाए, और बहुत सारी नई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई है सरकार की तरफ से, जिसमें आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है और घर बैठे ही आपका सरकारी काम हो सकता है। लेकिन अभी भी जो तकनीक है उसका दायरा अभी भी छोटा है, अभी भी बहुत सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जिनमें वो तकनीक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अगर वहां तकनीक नहीं पहुंचेगी तो वहां पर रिश्वत भी कम नहीं होगी। हालांकि दिल्ली सरकार एक कोशिश कर रही है कि करीब 30 से ज्यादा सरकारी सुविधाओं को ऐसे दायरे में लेकर आया जाए कि लोग घर बैठे जो है अपना सरकारी काम करवा सके, और इसी कड़ी में सरकार एक कोशिश ये कर रही है कि जो सरकारी राशन होता है उसमें बड़े स्तर पर धांधली होती है, बड़े स्तर पर उसकी कालाबाजारी होती है, उसको रोकने के लिए सरकार एक योजना ला रही है कि अब जो सरकारी राशन की डिलीवरी सरकार खुद घर तक कोरियर की तर्ज पर करवाएगी। तो ऐसे कई कदम सरकार को उठाने होंगे। सरकार और जनता के बीच में जो अभी फासला है उस फासले को तकनीक की मदद से पाटना होगा, और साथ ही में जो सरकार की पहुंच है आम आदमी तक वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके दूसरे तरीके से अगर देखें तो आम आदमी के पास भी जो सरकार की दूरी है वो और ज्यादा करीब आनी चाहिए। इसी चीजों की मदद से जो करप्शन है उस पर लगाम लगाई जा सकती है, वरना इसी तरीके की जो रिपोर्ट है वो सामने आती रहेगी। भ्रष्टाचार हम लोग सब जानते हैं कि जो सिस्टम है उसकी जड़ों में इस तरीके से समा गया है कि उसको छोटे मोटे कदमों की मदद से आप एक रात में या एक साल में हल नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर एक रात में एक कानून बना देने से भ्रष्टाचार सिर्फ खत्म नहीं हो जाता, लेकिन सवाल जब दिल्ली के संदर्भ में होता, दिल्ली में किसी एक अकेली पार्टी की सरकार नहीं है, एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है, केंद्र की सरकार भी है और एनडीएमसी भी है, भ्रष्टाचार ओवरऑल दिल्ली का है। तो अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और ये साफ हो गया है कि दिल्ली भ्रष्टाचार के मामले में बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में अब क्या सरकार के रिएक्शन क्या आ रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि दिल्ली में मल्टी एजेंसीज है और मल्टी एजेंसीज में अलग अलग सरकारों का राज है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उन पर वो दिल्ली सरकार के अधीन है। वहीं अगर आप सिविक फैसिलिटीज की तरफ जाएंगे तो वहां पर दूसरी पार्टी यानी बीजेपी का राज है। तो ऐसे में सिर्फ एक सरकार को इस भ्रष्टाचार पर टारगेट करना ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि जो रिपोर्ट को अगर गौर से हम देखें तो जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली के, हरियाणा और उत्तर
प्रदेश, उनके मुकाबलों में दिल्ली की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर नजर आती है। अगर रिपोर्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 53% लोगों ने ये माना है कि योगी सरकार अब तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फेल हुई है। वहीं अगर दिल्ली का आंकड़ा आप देखें तो दिल्ली में 38% लोग ये मानते हैं कि सरकार करप्शन कम करने में नाकाम साबित हुई है। यानी यहां पर उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति दिल्ली की कही जा सकती है। और